तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाओ? एक जादूगरनी को? ये जंगल मेरा घर, यहां कुछ भी होता है सबसे पहले मुझे पता चलता है। हैदा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हैदा! नहीं, बेवकूफ बच्चों। भागने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? तुम दोनों को तो मैं भगाऊंगी। दो पैरों पे, चार चार पैर। और मैंने? पोया की तरह तुम दोनों को बकरी बनाऊंगी। वो भी दो पैरों पे, चार चार पैर। पोया की तरह तुम दोनों को मैं बकरी बनाऊंगी। है ना? तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे कि आप लोग ने कल के स्टोरी में देखा था, दादी जो एक जिस चोर को जो रुमाना है और जो चोर वाइफ है उनको हमने एक कुएं के अंदर धक्का दे दिया था, लेकिन वो उस कुएं से बाहर निकल गई थी। और अब वो चोर दादी के रूप में हमें यहाँ पे एक जंगल में लाई है, दादी के रूप में वो हमें जंगल में लाई है पिकनिक करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जादूगरनी है वो इस चोर के साथ मिली रहती है, और उन्होंने एक शोरबा मतलब सूप, उन्होंने एक ऐसा सूप बनाया है जिससे पी के बच्चे बकरी बन जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि पोया को ये महक आ गई शोरबे की, और पोया शो में और रियल लाइफ में भी बहुत फूडी है, तो शो में वो शोरबे की महक से वो स्मेल करते करते यहाँ इस जादूगरनी के हट के अंदर आ जाता है, और वो सूप पीने ही वाला रहता है कि अलीफी आके उसको बचा लेती है। फिर वो हमारे पास वापस आते हैं, फिर हमें बताते हैं कि क्या हुआ। और अब दादी जो है वो चोर बनकर जादूगरनी के पास गई और कुछ प्लान बनाई, फिर वो दादी बनके फिर हमारे पास आई और अपने पैर में मोच लाई, ठीक है, मतलब फेंक ऐसे गिर गई। और वो जादूगरनी अब कहती है कि आप मेरे घर में रह लो। तो बेसिकली हम उनके घर में रह रहे हैं अब। और यहाँ पे क्या हुआ है कि अलीफी को पता चल गया है कि पोया बकरी बन चुका है, तो बेसिकली पोया बकरी बन गया शोरबा पी के रात को उठ के। तो हाँ, तो अलीफी को पता चल गया है और उसने हमें प्लान बताया है, तो हम बेसिकली वो प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे जादूगरनी हमें भी बकरी बना देती है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाओ? एक जादूगरनी को? ये जंगल मेरा घर, यहाँ कुछ भी होता है सबसे पहले मुझे पता चला।